दोस्तों बरसाना में राधा रानी के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ राधा कुंड। मेरे पीछे है राधा कुंड जो अक्षेश्वर है ना, आशीष्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन किए थे भोले बाबा ने जब वो साधु का रूप लेके आए थे। ये ठाकुर जी का पूरा चरण है, ये ठाकुर जी का पूरा चरण है, पूरा चरण है, और ये अंगूठा है, डायन पे का अंगूठा है। ये कृष्ण जी की उंगलियों के निशान है, ये है कृष्ण जी की उंगलियों के निशान। और ये जब जा रहे थे ना यहाँ से, तो वैसे मुड़ के देखा था तो ये पत्थर के हो गए थे। जय श्री, तो ये है वृंदा कुंड। तो हो गई है तैयारी अपनी निकलने की, और सुबह के बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। ये देखो कल दो थे ना सूट, ये तो रात को तैयार कर लेता ना तो टाइम बच जाता। ये बाइक को पहले कर लेता हूँ यार, बाइक को तैयार, पहले ताला खोल लेता हूँ, ताले बटन ताले लगा देता हूँ मैं, तो निकलते सीधा लेके बाइक वृंदावन के लिए। सुबह सुबह स्टार्ट हो गई बाइक, तो अपनी गाड़ी हो गई स्टार्ट होने कर रहे सीधे इस रास्ते से वृंदावन के लिए। बोले जाते बिहार लाल की जय, राधे रानी की बरसानी वाली थी, ये वाली यात्रा बिल्कुल चार चार करते हैं जो सबको दिखाते हैं। सुबह निकल गए, अभी निकल गए राष्ट्रीय बिहारी के दर्शन करने के लिए, राधे राधी श्री जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम। ये तो रास्ता बंद हो गया जी, सुबह सुबह में ऐसा मानना नहीं निकाल रहे। उसके बाद दिल्ली की रोड हो जाएगी सीधा हरियाणा में एंट्री। तो ये लोग हम लोग पहुंच गए, ये वृंदावन से हो गया सरोजना रोड का सीधा, तो भाई हरियाणा में वृंदावन हो गया सीधा। और ये मेन हाईवे है आगरा के लिए, तो इधर पहले ना ग्लव्स वगैरह जो भी सेफ्टी गियर है वो सारे पहन लूँ, इसके बाद मेरे को फुल स्पीड में निकलना है। देखते कितना भागती है आज पल्सर की, फुल स्पीड खोल के देखते हैं भाई साहब कितना भागेगी आज, आज पूरी जान लगा देंगे पल्सर की, देखेंगे कितना चढ़ेगी कितना जाएगी ये। और ये है मेन हाईवे जो सीधा जाता है मथुरा जाता है और आगरा, आगरा से आगे भी जाता होगा शायद कानपुर वगैरह, कहाँ कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन आगरा वाला हाईवे है ये। तो फुल स्पीड मैं खोलने वाला हूँ अभी पल्सर की, देखते भाई साहब कहर डाल देंगे, देखते कितनी भागेगी जबरदस्त। ओ भाई हो 81 अभी देखते कितनी, और अभी ओ भाई 96 तक गई थी, 98 ओ भाई 102 क्रॉस कर दिया भाई, फुल सभी डाल दी मैंने, 102 क्रॉस कर दिया। तो भाई जी इधर हाईवे पे मैंने लिया पहला स्टॉप, इसके बाद है ना थोड़ी सी दूर पे है नंदगांव, तो नंदगांव से हम होते हुए जाएंगे, तो पहले देखेंगे हम लोग कहाँ पे जाएंगे। दोस्तों सामने है शनि मंदिर, तो पहले चलते हैं शनि मंदिर, यहाँ मैं गया नहीं हूँ पहले, तो अभी पहले शनि मंदिर चलते हैं। ये इधर शनि मंदिर की इधर चलते, पहले आपको करवाते हैं शनि मंदिर के दर्शन, उसके बाद जाएंगे आगे दर्शाना जाएंगे। तो चलो पहले चलते हैं शनि मंदिर के दर्शन, पहले चलते हैं शनि मंदिर में, यहाँ पर मैं भी पहली बार आया हूँ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी ना बरसाना गांव, ये बरसाना गांव का बोर्ड लगा हुआ है, तो पहले ना मैं जाऊंगा वृंदा कुंड, पहले आपको एकदम वृंदा कुंड के दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद पास में बना हुआ है यशोदा कुंड और हाउ बिलाव है और श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, वो सारी चीजें देखेंगे इसमें ना, चार पांच यहाँ के ना नंदगांव की चार पांच चीजें कवर करेंगे। तो सन्नी मंदिर वो मेन रोड पे था, लेकिन जो मेन सन्नी मंदिर है वो अंदर जाके कहीं है, तो मैंने सोचा मेन रोड पे, इसलिए फिर मैं वहीं से वापिस आ गया, तो अंदर कहीं था सन्नी मंदिर, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब उधर देखेंगे उधर जाएंगे। तो अभी हम लोग मैं जा रहा हूँ सीधा जा रहा हूँ वृंदा कुंड, तो सबसे पहले आपको करवाता हूँ वृंदा कुंड के दर्शन।
तो गाइज ये ना मेन रोड पे बोर्ड लगा हुआ वृंदा कुंड का, इधर से राइट साइड अंदर की तरफ जाना, शायद 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना है जहाँ पे वृंदा कुंड है। तो चलो सीधा चलते वृंदा कुंड, और देखो कितना मतलब कितना मस्त रोड बना हुआ। अगर आप नंदगांव आते तो वृंदा कुंड भी आप एक बार जरूर जाइए, वृंदा कुंड दर्शन कीजिए। और ये देखो बिल्कुल हरियाली, हो भाई मस्त लग रहा है ना, जबरदस्त मजा आ गया है देखो। तो दोस्तों ये है ना लेफ्ट साइड में आ गया वृंदा कुंड, और वृंदा कुंड के बारे में ना अंदर चल के आपको बताता हूँ थोड़ा सा जो भी मुझे पता। तो ये वृंदा कुंड का बोर्ड लगा हुआ है और ये इधर से गेट बंद है, तो मेन गेट है ना जो इसका आगे की तरफ है, जो जहां से बाइक गाड़ी लेके जा सकते है ना, तो उधर से ही मैं बाइक लेके जाऊंगा। तो उधर सामने है मेन गेट और ये पूरा पूरा ना भाई साहब कुंड है, तो जबरदस्त लग रहा है देखो कितनी हरियाली और पेड़ है। वृंदा कुंड मतलब वृंदा जो हमारी तुलसी महारानी है, वृंदा वनेश्वरी, वृंदा कुंड उन्हीं के नाम पे इस कुंड का नाम पड़ा वृंदा कुंड। तो चलो अंदर पहले इधर ये देखो, ये इधर लेफ्ट साइड में कुंड बना हुआ है और बहुत प्यारा कुंड है, बहुत ही प्यारा कुंड है। और इधर एक राइट साइड में भी बना हुआ है कुंड, तो इसमें एक मंदिर भी बना रखा है, एक मंदिर भी है। तो पहले बाइक खड़ी कर देते हैं, उसके बाद यहीं पे जूते निकाल देता हूँ, फिर वो सामने कुंड है, कुंड के पास चलते हैं फिर। तो गाइज पहले करते हैं वृंदा कुंड के दर्शन। तो ये वाला पार्ट हम वृंदा कुंड का ही बनाएंगे क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ वृंदा कुंड। पहले आपको करवाता हूँ वृंदा कुंड के दर्शन। तो ये है वृंदा कुंड, तो देखिए ये है वृंदा कुंड, बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, बहुत ही प्यारा बनाओ वृंदा कुंड। नीचे चलते हैं वृंदा कुंड में, पहले जो वृंदा कुंड का जल है वो स्पर्श करते हैं सभी वृंदा कुंड का जल। ये है वृंदा कुंड का जल। जय श्री राधे, जय श्री वृंदेश्वरी, श्री वृंदेश्वरी, जय श्री वृंदेश्वरी। तो ये है वृंदा कुंड, और वृंदा कुंड मैं भी पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में इतनी जानकारी नहीं है वृंदा कुंड के। मैं जा रहा था हाउ बुलाऊ, तो मैंने उधर देखा वृंदा कुंड का बोर्ड लगा होता, तो मैं कहा चलो एक वृंदा कुंड चलते, पहले वृंदा कुंड आपको दिखाते करवाते आपको वृंदा कुंड के दर्शन। तो राधे राधे दोस्तों, वृंदा कुंड जो है वो वही जगह है जहाँ पे सुबह के समय राधा और कृष्ण जी मिलते थे, फिर दोपहर के टाइम वो दोनों जो है वो राधा कुंड पे मिलते थे, फिर शाम के टाइम वृंदावन में मिलते थे। तो वृंदा कुंड वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गुप्त रूप से मिला करते थे। और ये बना हुआ है मंदिर जहाँ पे वृंदावनेश्वरी जो है उनकी प्रतिमा है मंदिर में स्थापित। तो दोस्तों मंदिर में जो है वो वृंदा जो है, जो तुलसी महारानी है हमारी, उनकी प्रतिमा मंदिर में है। और ब्रज के जो गुप्त कुंड है ना, उनमें से एक ये कुंड है जो वृंदा कुंड है। और जो ब्रज के तीन योग पीठ है, तो तीन योग पीठों में से एक योग पीठ इसे भी माना जाता है। तो मैं गया था मंदिर में, और मंदिर तो अभी मतलब मंदिर खुला हो पर पर्दा लगा रखा था, तो पंडित भी नहीं था, तो मैं नहीं चाहता था कि पर्दा हटा के वो करूं, भगवान को डिस्टर्ब करूं। क्या पता भगवान को प्रसादी भोग लगा के गए हों, प्रसादी भोग लगा रखा हो, इसलिए मैंने बाहर से ही प्रभु के बिहारी जी के मैंने दर्शन किए, आपको दिखाया। तो अभी इधर से चलते सीधा हाउ बुलाऊ, और ये ना एक कुंड इधर बना हुआ है, एक कुंड ये बना हुआ है, और ये है पूरा, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेड़ वेड़ लगा रखे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बहुत ही प्यारा बना हुआ है इधर ये। तो चलो इसके बाद चलते सीधा हाउ बिलाऊ। वृंदा कुंड को हम लोगों ने देख लिया, और वृंदा कुंड सीधा जा रहे हैं हाउ बिलाऊ, और काफ़ी अच्छा बना हुआ। अगर आज तो इधर नंदगांव की तरफ आते हो तो वृंदा कुंड भी आप लोग आ सकते हो, काफ़ी अच्छा बना हुआ वृंदा कुंड।